हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मम्मा की रसोई में। तो आज हम बनाएंगे बिना तेल की सब्जी। तो देखते हैं हम किस तरह से बनाते हैं बिना तेल की सब्जी। तो हम बनाएंगे आज मटर की सब्जी। तो देखते हैं, ये हमने एक कढ़ाई ले ली है, कोई सी भी ले लो आप। थोड़ी सी हम इसे गर्म कर लेंगे, और अगर आप किसी मेहमान को भी खिलाओगे ना बिना तेल की सब्जी, तो वो कहेगा ही नहीं कि बिना तेल की सब्जी है। हाँ, तो इसमें मैं सबसे पहले तो अदरक डाल देती हूँ। ये मेरे दो टमाटर, तो मैं इसमें से एक टमाटर डालूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे, एक हरी मिर्ची। अगर आप प्याज लहसुन खाना चाहते हो तो इस समय प्याज लहसुन डाल दें। एक तेज पत्ता डालूंगी मैं इस समय, क्योंकि अगर हम तेल डालते हैं तो तेज पत्ता सभी चीज़ हम पहले ही डाल देते हैं। तो हम बिना तेल की बना रहे हैं। मेन तो इसमें यही है कि टेस्टी होनी चाहिए, टेस्टी होनी चाहिए। अब वो बिना, थोड़ा सा तो फर्क आता है एक तेल की एक बिना तेल की में, बाकी तो बढ़िया लगती है। दो मैं लाल मिर्ची डाल दूंगी इसमें। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जीरा। किन किन लोगों को सजेशन है ये बिना तेल की सब्जी खाने? थोड़ा सा हींग। किन किन को है? हार्ट वालों को तो है ही कि बिना तेल की, कोलेस्ट्रॉल जिनके हैं। नहीं, कभी तेल की खा लो, कभी बिना तेल की बना लो, तो बैलेंस हो जाता है, बस ये है। तो किसने पहले बना के खाई बिना तेल की सब्जी, मुझे ज़रूर बताना कि आप भी बिना तेल की सब्जी बना के खाते हो। इसी सीरीज में और भी सब्जियां बताएंगे, बिना तेल की कई सब्जियां बताएंगे हम। ये तो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग की है हमने। तो अब इसमें डाल देंगे हम सभी मसाले। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच नमक की, क्योंकि हम एक कप मटर की सब्जी बना रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमने मसाला डाला है। अगर आप मसाले भी कम डालना चाहते हो तो वो भी आप अपने हिसाब से मसाले थोड़े कम कर सकते हो। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। तेल की जगह पानी? हाँ, तेल की जगह पानी। इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, इससे सब्जी स्वादिष्ट लगती है। ज़्यादा नहीं डालनी, सब्जी के अकॉर्डिंग डालेंगे। और ये मैंने एक कप मटर लिए, इन्हें मैंने धो लिए हैं। अब अगर रेसे वाली बनाना चाहते हो तो पानी डाल ले, और रेसे वाली नहीं बनाना चाहते हो तो अब हम मटर को सीजने देंगे। आप जज ही नहीं कर पाओगे कि ये बिना तेल की सब्जी बनाई है हमने। अब इसे मैं ढक दूंगी और 5 मिनट करीबन तक इन्हें हम सीजने देंगे, क्योंकि इसमें जो खड़े पत्ते जो, हाँ, इनका भी टेस्ट आएगा, इनका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। गैस सिम कर देंगे और अब मटर को हम सीजने देंगे। तो 5 मिनट करीबन हो गए हैं, बीच में मैंने एक बार चेक कर लिया था, क्योंकि हमने स्टील की कढ़ाई में सब्जी बनाई है तो नीचे से लग जाती है, तो मैंने इस तरह से इसे मिक्स कर लिया था। मटर सीज गए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। सब्जी की जान हरा धनिया, अगर हरा धनिया डाल देते हैं तो कोई सी भी सब्जी हो सभी स्वादिष्ट लगने लग जाती है। तो देखिए, आप इसे पिकनिक पर भी ले जा सकते हो, आप इसे पूड़ी पराठे जो भी आप खाओगे सब अच्छे लगेंगे, और कह ही नहीं सकेंगे कि ये बिना तेल से हमने सब्जी बनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मटर की सब्जी ज़रूर पसंद आएगी और आप भी ट्राई करोगे। तो इसी तरह की सब्जियां देखने के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो कि और सब्जियां मैं बताऊं, तो मैं कोशिश करूंगी और सब्जियां ट्राई करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।